नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ पंजाब असम्बली के गेट के बाहर, लेकिन इस टाइम फ़िलहाल इस गेट को बंद कर दिया गया है क्योंकि इस टाइम पंजाब की जो सियासी सूरत हाल है वो काफ़ी कशीदा हो चुकी है। आज पंजाब असम्बली का 7 बजे इजलास तलब किया गया था डिप्टी स्पीकर की जानिब से, लेकिन आज जो PTI और उसकी इत्तेहादी काफ लीग है उसने आज डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है, इसलिए आज इजलास के जो होने के चांसेस हैं वो बहुत कम नज़र आ रहे हैं। अब से कुछ देर कबल हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चीफ विप खलील ताहिर सिंधु से बात की, जिनका ये कहना था कि जो हुकूमत की जानिब से जिस तरह के हथकंडे आजमाए जा रहे हैं उसके बाद आज के इजलास होने के चांसेस नहीं हैं, और उनका उन्होंने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि काफ लीग ने ज़िला गुजरात और ज़िला मंडी बहाउद्दीन से यहाँ पे कुछ ऐसे अपने कारकुन लेकर आए हैं जिनका इरादा यहाँ पे कशीदगी पैदा करने का, तोड़फोड़ पैदा करने का है, और जिस पे उन्होंने यहाँ पे जो मौजूद पुलिस अफसरान थे उनसे सवाल किया कि इतनी सख्त सिक्योरिटी में वो कारकुन अंदर, इस टाइम जो पंजाब असम्बली का हम कह सकते हैं ये बाहर वाला हिस्सा है, उधर किस तरह से पहुँचे हैं। और अगर हमें वैसी सिक्योरिटी की बताऊँ तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद हैं, जो मेन गेट पे जो है वहाँ से लोगों को अंदर आने से रोक रहे हैं। और अभी हमने देखा कि 3 मुस्लिम लीग ने उनके कारकुन थे जो पंजाब असम्बली में आना चाह रहे थे उनकी गाड़ी को भी वहाँ से वापस कर दिया गया। पंजाब पुलिस की प्रिजन वैन्स यहाँ पे आई हुई हैं, लेकिन अभी तक उनका जो हमने बातचीत की है कोई हमें तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल सका कि आखिर ये जो प्रिजन वैन्स हैं वो यहाँ पर क्यों मौजूद हैं। इसके अलावा जो है जो यहाँ पे फ़क्तन फ़वक्तन चंद सियासी कार जो जमातों के जो MPAs हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन किसी को अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिल रही। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मसले के हवाले से बात की गई, मुस्लिम लीग नून के जो वकील हैं आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने ये मसला उठाया जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है और हमें देखना होगा कि असम्बली का इजलास क्यों नहीं हो पा रहा, और उन्होंने साथ में मशवरा दिया कि अगर असम्बली का इजलास असम्बली के अंदर नहीं हो सकता तो आप उसको किसी बाहर किसी पार्क में कर लें। हम यहाँ पर मौजूद हैं और देखते हैं कि जो आज सूरत हाल है वो किस तरह से अनफोल्ड होती है।